तो गाइस आपका फिर से स्वागत है हमारे एक और से नए से वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं एक फ़ोन के बारे में, फ़ोन का ओनरशिप रिव्यू हम लोग देने वाले हैं इस वीडियो में। तो आज एक ऐसे फ़ोन का रिव्यू देने वाले हैं जो कि इंडिया में बहुत फेमस हुआ करता था 2017 और 18 के टाइम में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रेडमी नोट 4 के बारे में, जो कि रेडमी का एक बहुत ही स्पेशल डिवाइस था। ये फ़ोन रेडमी को बहुत इंडिया में हेल्प किया ग्रो करने में। पहले जब रेडमी आया था इंडिया में तो उस टाइम बहुत नया नया था और ऊपर से चाइनीज़ था, तो लोग उसे उतना परचेज़ नहीं करते थे। रेडमी नोट 3 था, नोट 3 प्राइम कुछ ऐसा ऐसा मॉडल था, तो उस टाइम उतना परचेज़ नहीं करते। तो फिर ये आया था रेडमी नोट 4, जो कि एक बहुत ही क्या कह सकते कॉम्पैक्ट डिवाइस था, जिसमें आपको हर एक फीचर देखने को मिला करते थे, बैटरी से लेकर के प्रोसेसर और प्रोसेसर से लेकर के डिस्प्ले, जो भी एक अच्छे क्वालिटी का आपको देखने को मिला करता था। तो बात करते हैं Redmi Note 4 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आपको एक रिव्यू देते हैं Redmi Note 4 के बारे में। तो गाइज इसमें आपको सबसे पहले प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको प्रोसेसर मिलता है स्नैपड्रैगन 625, जो कि 2017 में एक हाई माना जाता था। उस टाइम 2017 में बहुत ही फेमस था और इसलिए लोग इसे परचेज भी कर रहे थे। और आपको कैमरा इसमें 12 मेगापिक्सल का पीछे मिलता है और आगे में आपको 5 मेगापिक्सल का। आपको ये सुन के थोड़ा सा अजीब लगा होगा 12 मेगापिक्सल, तो गाइज ये 2017 में था और उस टाइम 12 मेगापिक्सल बहुत 12 मेगापिक्सल और फ्रंट में 5 मेगापिक्सल आया करता था, जो कि बहुत था। तो और अभी आप 2021 में, तो 2021 का तो बात अलग है, तो 108 मेगापिक्सल आ रहा है और 48 बहुत आता है, तो वो सब तो आप नॉर्मल है, पर उस टाइम 12 मेगापिक्सल आता था। और एक और बात था, इसमें एक फिंगरप्रिंट सेंसर था जो कि माना जाता था उस टाइम 0.3 सेकंड में आपको आपके फ़ोन को अनलॉक कर देता है। खैर अब स्लो हो गया है, क्योंकि किसी भी फ़ोन का 4 साल हो जाएगा तो स्लो होना ही है। तो अगर बात करें तो ये फ़ोन मैंने परचेस किया था 2017 में और अभी है 2021। सोच सकते हैं 4 साल हो गया इस फ़ोन का और अभी तक बिल्कुल ठीक है। खैर थोड़ा सा तो स्लो हुआ है और हैंग कर रहा है। खैर आपको सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि कोई भी एंड्रॉयड डिवाइस हो, मतलब प्रीमियम डिवाइस की बात नहीं कर रहा है, जो 15,000 के पास हो, 15,000 के अंदर 10,000 तक में कोई भी डिवाइस हो एंड्रॉयड में, वो 4 ईयर से ज़्यादा नहीं चल सकता। 4 to 5 तो जाएगा ही नहीं, कोई भी कैसा भी यूज़ करे। खैर ये फ़ोन तो बहुत, मतलब इसमें कोई गेम भी नहीं खेला, कभी गेम नहीं खेला गया और बहुत ही लाइट यूज़ हुआ है ये फ़ोन, इसलिए आज 4 साल हो गए। अगर गेम ये सब खेलते तो मे बी 3 ईयर्स में इसका हो जाता, पर अब ये फ़ोन हैंग कर रहा है और मतलब करेगा ही, क्योंकि 4 साल हो गया कोई भी एंड्रॉयड। हाँ स्टॉक एंड्रॉयड एक आता है जिसमें आपको अपडेट्स देखने को नहीं मिलेंगे, जो आप परचेज़ किए उस टाइम जो है सो है, उसके बाद नहीं। तो जिस डिवाइस में आपको अपडेट्स आते हैं तो वो धीरे धीरे स्लो होता है। ये जब आया था तो मे बी MIUI 8 था, जो कि रेडमी की तरफ से, और आज है MIUI 11। खैर अभी MIUI 12 भी आ गया, पर इस फ़ोन में MIUI 12 नहीं आया, जो कि बहुत अच्छा बात है। अगर आ जाता तो आज ये फ़ोन मतलब बहुत स्लो हो जाता, क्योंकि जैसे जैसे अपडेट्स आते हैं वो आपके फ़ोन के स्टोरेज को भी बढ़ाते हैं। 32 GB इस फ़ोन का है, तो अभी मतलब सिस्टम इसका जो भी है वो 6 GB लेता है, स्टार्टिंग में 5 लेता था, अभी शायद 9 हो गया है, MIUI 11 है ना, तो 9 या 8 ले रहा है। तो जब आया था, जब मैंने परचेज किया था तो 6 या 5 था, तो उस टाइम था MIUI 8, फिर आया 9, फिर मे भी 10 आया था, फिर 11, और 11 में भी 0.2 कुछ ऐसा आते रहता है। अब नहीं आ रहा है, अब इसमें अपडेट्स कोई नहीं आ रहे, क्योंकि जो कि बहुत अच्छा बात है। अपडेट्स ज़्यादा आएंगे तो आपके फ़ोन स्लो होंगे, चाहे आप नया भी फ़ोन ले लीजिए तो वो भी स्लो थोड़ा सा होता है, और बहुत सारे वर्जन में तो ग्लिच भी आते हैं। एक MIUI 12.3 उसमें बहुत सारे ग्लिच आए हैं, मैंने जो मेरा फ़ोन है पोको फ़ोन ये सब उसमें थोड़ा थोड़ा कोई ग्लिच आया है। तो अगर बात करते हैं, ये हो गया हमारा प्रोसेसर जो कि मिलता है इसमें स्नैपड्रैगन 865, तो जिसमें आप एक नॉर्मल गेम खेल सकते थे उस टाइम, पबजी ये सब नहीं खेला जा सकता है, फ्री फायर खेल सकते हैं, तो अब नहीं खेला जा सकता, अब ये उतना नहीं है। और आगे हमारा ये जो डिस्प्ले है
तो ये तो हमारा वो फुल डिस्प्ले तो मिलता नहीं था उस टाइम। और हमारा बटन्स आप देख सकते हैं, ये बहुत अच्छे क्वालिटी का था। और मेन बात ये था ना गाइस कि इसका जो ये पूरा बैक पैनल है ये भी मेटल का हमें देखने को मिलता था, जो कि बहुत अच्छा बात है। मेटल का पैनल जो कि लोग इसे परचेज करना चाहते थे। और टाइप बी केबल मिलता था जिसके साथ हमें शायद 9 या 12 वॉट का चार्जर मिलता था, उस टाइम बहुत फास्ट था। और इसका जो मेन बात था वो बैटरी बैकअप गाइस, अभी भी इसका बैटरी बैकअप बिल्कुल मस्त है। 4100 mAh का इसमें आपको बैटरी बैकअप मिलता है, जो कि अभी भी बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि बैटरी मतलब थोड़ा सा वीक हो गया तो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक है। कैमरा ठीक ठाक है, अभी भी हमारे कोई मेरा कोई वीडियो आप देख सकते हैं तो इससे शूट हुआ है, आपको शायद पता नहीं चलता होगा पर शूट हुआ है। मेरा जो लास्ट व्लॉग है आप देख सकते हैं, उसमें एक पार्ट मैंने इसी से शूट किया है। तो हाँ, अगर आप बाहर आउटडोर अपने घर से शूट करते हैं इससे तो लगभग ठीक ठाक हो जाता है। और फ्रंट कैमरा तो 5 MP का, जो कि अब उतना आज के डेट में तो बहुत कम है ना। आज के डेट में तो कैमरा क्वालिटी बहुत ज़्यादा हो गया, व्लॉग ये सब 1080 पिक्सल में आते हैं, 4K में आते हैं, तो ये तो बहुत कम ही है। और बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में, तो इसका कहीं डिस्प्ले भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मेरे हाथ से इधर भी कल परसों गिरा था और बहुत बार गिर चुका है, पर आज तक कभी कोई क्रैक नहीं आया है, जो कि बहुत अच्छा बात है। तो इस फ़ोन में आपको ड्यूल फ्लैश भी देखने को मिलता है पीछे में, और आगे में आपको ऑक्स मिलता है देखने को, और नीचे में आपको 2 स्पीकर्स देखने को मिलता है। तो एक इसमें था स्टार्टिंग से प्रॉब्लम, जो कि मुझे थोड़ा सा पसंद नहीं आता, कि इसका जो स्पीकर है वो थोड़ा सा बहुत ही लो है, बहुत लो है। आप स्टार्टिंग में मैंने लिया था तो रिंगटोन ये सब जो भी होता है ना फ़ोन का, तो वो बहुत लो साउंड करता था, उतना हाई साउंड नहीं था। आपको पता नहीं चलता क्यों, पता नहीं क्यों, तो हर एक फ़ोन में कुछ ना कुछ मेरिट्स होते हैं तो कुछ ना कुछ डिमेरिट्स। तो इस फ़ोन में है डिमेरिट्स तो बस एक ही डिमेरिट्स, और मुझे इस फ़ोन से कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी नहीं। प्राइस के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट फ़ोन था, तो बस एक स्पीकर का ही प्रॉब्लम है। और आपको पीछे एक फिंगरप्रिंट मिलता है, जो कि 0.3 सेकेंड में आपको आपके फ़ोन को अनलॉक कर देता था उस टाइम MIUI 8 में। फिर 9 आया 10 आया तो धीरे धीरे स्लो हो गया, अब लगभग 10 या 15 सेकेंड तो हो ही गया अभी देख, मतलब अभी भी फास्ट है, ऐसा नहीं है। अभी आप देख सकते हैं अभी भी फास्ट है, ऐसा नहीं, क्योंकि इस फ़ोन में मैंने बहुत लाइट यूज़ किया है। तो ये जो फ़ोन मेरे पास है ये है 3 GB RAM 32 GB स्टोरेज, और इसमें एक और आता है 4 GB RAM 64 GB स्टोरेज। तो जब ये मैंने परचेज़ किया था तो ऑफलाइन परचेज़ किया था 12,000 में, तो ऑनलाइन खैर गाइस इसका 10,000 में मिल रहा था, मैंने पता नहीं क्यों ऑफलाइन ले लिया। उस टाइम 2017 में ऑफलाइन बहुत ही कॉस्टली मिला करते थे, अब आपको ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है, पर उस टाइम थोड़ा सा कॉस्टली। तो ये इसका प्राइस मान लीजिए तो 10,000 था, और 12,000 शायद था 4 GB RAM का, और मुझे ऑफलाइन थोड़ा सा कॉस्टली पड़ गया था, क्या कर सकते हैं। और बात कर लें साइड पैनल, तो साइड में भी आपको मेटल ही फिनिश देखने को मिलता है, और इसमें आपको डुअल 4G नहीं मिलेगा, एक 4G है और दूसरा 3G 2G 1G जो भी है सपोर्ट करता है, और वाईफाई 4 आपको अच्छे से सपोर्ट करता है। और वाईफाई 5 में गाइस इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि शायद वाईफाई 5 इसमें दिया गया है पर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। जब मैं वाईफाई 5 से इसे कनेक्ट करता हूँ तो बीच बीच में ये डिसकनेक्ट हो जाता है। अब अगर आपको वाईफाई 5 का मतलब समझ नहीं आ रहा, तो वाईफाई 5 का मतलब है 5 GHz का जो राउटर होता है उससे आप इसे कनेक्ट करते हैं, तो बीच में ये डिसकनेक्ट हो जाता है। कनेक्ट होगा पर थोड़ा थोड़ा बीच में डिसकनेक्ट हो जाता है, फॉर सम रीज़न पता नहीं क्यों होता है। और ये MI का बहुत ही अच्छा फ़ोन था, जो कि बहुत लोग ने इसे परचेज़ किया था, और यही फ़ोन था जो कि Redmi को इंडिया में ग्रो कराया, Redmi इसी के कारण इंडिया में ग्रो किया। और आज आप देख सकते हैं कितने सारे Redmi के, तो 3 है, Redmi, MI, Po, तीनों Redmi, Xiaomi का ही, पहले तो ये Xiaomi था, सॉरी Redmi तो था ही नहीं, Xiaomi, फिर Xiaomi से अलग हो गया Redmi, MI, Poco, 3 है, तीनों उसी के। तो गाइस ये था मेरा छोटा सा बिल्कुल रिव्यू Redmi Note 4 का, लगभग मैंने सब कुछ बता ही दिए, रैम बता दिया, प्रोसेसर बता दिया, बैटरी भी बता दिया, बैटरी बैकअप और चार्जिंग भी। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, फिर आप बहुत बोरिंग लगेगा। तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो Redmi Note 4 से रिलेटेड आपके पास, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में,
चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और गाइस हमारे 1K सब्सक्राइबर जल्दी होने वाले हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें। और अभी हमारा डेली वीडियो भी आ रहा है तो ये भी वीडियो हमारा आ गया आज लगभग लगातार नहीं आ पाएगा क्योंकि मैंने डेली वीडियो डालना शुरू किया है, देखते हैं कब तक हो पाता है। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं फिर किसी एक और से नए से वीडियो में। आज के लिए इतना ही।